झारखंड में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। यहां आए दिन बेटियों के साथ वारदात की घटनाएं सामने आती रहती हैं। मामला गुमला जिले का है, जहां नाबालिग बच्ची के साथ 10 नाबालिग लड़कों ने गैंगरेप किया। बताया जा रहा है कि गांव में मड़वा का कार्यक्रम था, जहां 13 साल की बच्ची दो छोटे बच्चों के साथ शादी कार्यक्रम में भाग लेने पहुंची थी। रात के 11 बजे शादी समारोह से लड़की और उसके दो साथी अपने घर आने के लिए जैसे ही निकले, पहले से घात लगाकर बैठे गांव के 10 युवकों ने नाबालिग लड़की को धर दबोचा और उसके साथ आए बच्चों को मारपीट कर भगा दिया। इसके बाद आरोपी लड़की को अगवा कर गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर टोंगरी के समीप राहर की झाड़ी में ले गए, जहां आरोपियों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया। रेप के बाद आरोपी नाबालिग लड़की को गांव के उत्क्रम मध्य विद्यालय के पास छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद परिजनों द्वारा घटना की सूचना बिचनुपुर थाना में दी गई, जिस पर गुमला SP डॉक्टर एहतेशाम वकारीब ने बताया कि घटना को अंजाम देने वाले किशोरों में से अधिकांश नाबालिग हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तारीख को अपने गांव में के मैं दो शादी में अटेंड करके रात के करीब 11:30 बजे अपने सहेली एवं गांव के चाचा के साथ घर लौट रही थी कि वो गांव के किनारे तालाब पास जब पहुंची तो गांव के 10 लड़के उसको घेर लिया और उसके चाचा के साथ मारपीट करने लगा, जिससे उसकी सहेली और चाचा डरकर भाग गया। सभी लड़के उस पीड़िता को गांव के किनारे टेकरी ले जाकर, वो पहले दो लड़के सामूहिक बलात्कार किए, उसके बाद गांव के टेकरी के सटे पूरब अरहर खेत में दोबारा ले जाकर सभी लोग बारी बारी सामूहिक दुष्कर्म किए और सभी लड़के भाग गए और कुछ लड़के लड़की को स्कूल तक छोड़ दिया। लड़की जिस घर पहुँची इस घटना के बारे में अपने परिवार वालों को बताया। सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें 3 बालिग है और 7 निर्दोष बालक है और लड़की का आगे कार्रवाई किया जा रहा है। फिलहाल आरोपियों की उम्र की जाँच हो रही है। कुछ आरोपियों के परिजनों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पुलिस की जांच में पता चला है कि पीड़िता की उम्र करीब 13 साल है, वो कक्षा 7वीं की छात्रा है। गुमला से मुकेश की रिपोर्ट।